सोलन में वार्ड नंबर 7 और 15 में सफाई के बेहद बुरे हाल हैं। इस वार्ड में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य देखा जा सकता है। नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। सीवरेज की पाइपें ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसके चलते वार्ड के निवासी बेहद तंग हैं। उनके बच्चे गंदगी पर ही खेलने को मजबूर हैं। एक और देश में स्वच्छता मिशन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छ रखने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ये योजनाएं इस वार्ड को जैसे छू भी नहीं रही हैं। सोलन में वार्ड नंबर 7 और 15 में सफाई के बेहद बुरे हाल हैं। इन वार्डों में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य देखा जा सकता है। नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। सीवरेज की पाइपें ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसके चलते वार्ड के निवासी बेहद तंग हैं। उनके बच्चे गंदगी पर ही खेलने को मजबूर हैं। एक और देश में स्वच्छता मिशन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छ रखने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ये योजनाएं इस वार्ड को जैसे छू भी नहीं पाई हैं। यह नगर परिषद और जिला प्रशासन की नजर इस वार्ड पर नहीं पड़ी है, जिसके चलते यहाँ गंदगी ही गंदगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वार्ड सोलन में होते हुए भी सोलन से कटा हुआ है। वार्ड नंबर 7 के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन शहर में वार्ड नंबर 7 के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी है। इस गंदगी में ही उनके बच्चे खेलने को मजबूर हो चुके हैं, जिसके चलते बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। नालियां गंदगी से भरी पड़ी है। सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। आने जाने वालों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे कई बार नगर परिषद को इसके बारे में सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जब बीमारी फैलेगी तभी प्रशासन की नींद खुलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर रास्ता, नालियाँ और कूड़े के जो डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, डोर टू डोर वाले हमारे को बोलते हैं जी हम तो यहीं पे कूड़ा डालेंगे, आपने जिसके पास कंप्लेंट करनी है वहां आपका